All right, so recording has started. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग अर्चना, गुड मॉर्निंग। सो ऑलराइट देन, तो हमने देखा था हमारे यहाँ पे मियोसिस वन हमने स्टार्ट किया था। वी यू नो दैट मियोसिस वन विल हैव दिस फाइव स्टेज, लिप्टोटीन, जैगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डायकिनेसिस। ये आपके यहाँ पे स्टेज आते हैं। उसके अंदर हमने हमारा सबसे पहले देखा था हमारा लिप्टोटीन। लिप्टोटीन इज नोन फॉर क्रोमैटिन गेटिंग कंडेंस्ड फॉर क्रोमोजोम। एक ये इवेंट आपको वहां पे हो रहा होता है एंड अलॉन्ग विद दैट यू विल फाइंड आपके जो सेंट्रियोल्स होते हैं दे विल स्टार्ट देयर जर्नी टुवर्ड्स द पोल्स। ये लोग अपना पोल्स के तरफ यहाँ पे जाना चालू करेंगे एंड यू कैन फाइंड द एस्टर फॉर्मेशन विल इनिशिएट। तो ये आपका एक लाइक दीज आर द इवेंट्स यू विल फाइंड हैपनिंग इन द लिप्टोटीन स्टेज। यही आपके इवेंट्स आपको यहाँ पे ऐड करने हैं। सो दीज आर द इवेंट्स व्हिच यू हैव टू नो। सो ये चीज आपके यहाँ पे हो जाती है। आफ्टर दैट व्हाट विल बी हैपनिंग, तो बाय द एंड ऑफ लिप्टोटीन स्टेज आपके क्रोमोसोम्स कंडेंस हो चुके हैं एंड यू कैन एक्चुअली सी दैट एक्स वाला स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे काफी क्लियरली देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाता है। सो आफ्टर दिस व्हाट यू विल फाइंड हैपनिंग इज कि नेक्स्ट स्टेज मेरा यहाँ पे होगा जायगोटिन स्टेज। अब जायगोटिन स्टेज में क्या होगा, यू विल फाइंड आपके होमोलोगस क्रोमोसोम की आपकी होगी पेयरिंग। सो सब यहाँ पे आपका पेयर बनाना चालू करेंगे। अब पेयरिंग करने के बाद याद रखना आपके जो होमोलोगस पेयर है ये एक दूसरे के साथ यहाँ पे होती है अटैच। अब इनको अटैच कराने के लिए हम यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स यूज करते हैं उसका नाम यहाँ पे आपका होता है सिनैप्टिनोमल कॉम्प्लेक्स। दैट कॉम्प्लेक्स ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय सिनैप्टिनोमल कॉम्प्लेक्स। सो इसकी मदद से आप अपने होमोलोगस पेयर को आप यहाँ पे अटैच कराते हो, राइट। इसको हम इवन कहते हैं यहाँ पे जिपर प्रोटीन और यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज ए न्यूक्लियो प्रोटीन। तो इसकी मदद से आपके जो दोनों क्रोमोसोम्स हैं यहाँ पे एक दूसरे के साथ यहाँ पे अटैच हो जाएंगे। सो दैट इज ऑल्सो वन थिंग यू विल फाइंड हैपनिंग ओवर हियर। जैसे ही आपका ये इवेंट यहाँ पे हो गया यू कैन वेरी क्लियरली से कि मेरा सिनैप्सिस यहाँ पे हो चुका है। सो दिस इवेंट ऑफ जॉइनिंग ऑफ माय दिस टू क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड एज योर सिनैप्सिस। तो आपका यहाँ पे बेसिकली सिनैप्सिस आपके यहाँ पे खत्म होता है। जैसे ही आपका सिनैप्सिस हो गया आप एक और चीज यहाँ पे बोल सकते हो कि जैसे मेरे क्रोमोसोम्स यहाँ पे जुड़ चुके हैं आई कैन यूज अ टर्म बायवेलेंट। मैं यहाँ पे एक टर्म यहाँ पे यूज कर सकता हूँ एज अ बायवेलेंट। और बायवेलेंट के अंदर आपको चार क्रोमैटिड और दो सेंट्रोमियर यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। यू कैन सी दिस होमोलोगस पेयर जो आपके यहाँ पे जुड़े हुए उसे हम बायवेलेंट बोलेंगे। एंड याद रखना हाउ मेनी क्रोमैटिड्स और सेंट्रोमियर आपको मिलेंगे यहाँ पे देखने के लिए। दिस स्ट्रक्चर कैन बी ऑल्सो कॉल्ड एज माई टेट्राड। इसको आप इवन टेट्राड कह सकते हो बिकॉज आपके पास यहाँ पे चार क्रोमैटिड है इसलिए। तो ये कुछ इवेंट्स आपके हो जाते हैं जायगोटिन स्टेज के अंदर एंड देन यू विल हैव योर पैकेटिन स्टेज। पैकेटिन स्टेज में आपको क्या मिलेगा, सबसे पहले जहां पे आपके दोनों क्रोमोसोम्स जुड़े हुए हैं वहां पे आपको कुछ डेंस एरिया देखने के लिए मिलेगा। दैट डेंस एरिया ओवर हेयर इज कॉल्ड एज माई रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। सो दैट डेंस एरिया हेयर विल बी कॉल्ड एज माई रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। इस नोड्यूल के अंदर आपको मिलते हैं मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स। सो दिस नोड्यूल विल हैव योर मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे आपको काफी ज्यादा एंजाइम्स आपको मिलेंगे बट आपको सिर्फ एक ही एंजाइम का नाम आपको याद रखना है विद कॉन्टेक्स्ट योर नीड एंड दैट इज माय रिकॉम्बिनेज। सो मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स में से आप एक एंजाइम का नाम यहाँ पे याद रखिए रिकॉम्बिनेज। और ये रिकॉम्बिनेज आपकी मदद करेगा ड्यूरिंग द एक्सचेंज ऑफ डीएनए मटेरियल और एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, वो करने के लिए आपकी मदद करता है। सो पैकेटिंग स्टेज इज वेल नोन फॉर समथिंग लाइक योर क्रॉसिंग ओवर। ये वो आपका स्टेज होगा जहां पे आप अपना क्रॉसिंग ओवर करेंगे। ये वो आपका स्टेज होगा जहां पे अपना डीएनए या जेनेटिक मटेरियल आपके दो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में आप एक्सचेंज करेंगे। आपने अपना डीएनए एक्सचेंज करने के लिए जो आपकी यहाँ पे मदद करेगा पर्सन हु इज गोइंग टू हेल्प यू आउट इज गोइंग टू बी द रिकॉम्बिनेज। इसकी मदद से आप अपना यहाँ पे डीएनए आप एक्सचेंज कर सकते हो। याद रखना जब आपका डीएनए एक्सचेंज यहाँ पे हो रहा है, जब क्रॉसिंग ओवर आपका यहाँ पे हो रहा है, अभी भी दोनों के दोनों क्रोमोसोम मेरे एक दूसरे के साथ काफी टाइटली जुड़े हुए हैं। सो दे आर बोथ ऑफ देम आर स्टिल अटैच्ड टू ईच अदर विद द हेल्प ऑफ माय जिपर प्रोटीन स्लैश सिनैप्टिनोमल कॉम्प्लेक्स। तो इतना हमने यहाँ पे देख लिया था, दैट इज समथिंग वी हैव सीन। सो वी हैव सीन अवर लिप्टोटीन, जायगोटिन एंड पैकेटिन। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेज दैट इज गोइंग टू बी द डिप्लोटीन स्टेज। तो ये हमने क्रॉसिंग ओवर यहाँ पे कर लिया, डीएनए एक्सचेंज कर लिया यहाँ पे। एक बार फिर हमने यहाँ पे देख लिया कि यहाँ पे आपका एक्सचेंज हो रहा है एंड चलिए अब आगे देखते हैं अब आपके यहाँ पे क्या होगा। तो इतना इवेंट होने के बाद आफ्टर रनिंग थ्रू दिस पर्टिकुलर इवेंट नाउ व्हाट विल हैपन।
आप ये सब तो अपना यहाँ पे कर चुके हो, यू आर डन विद योर क्रॉसिंग ओवर. नाउ यू विल हैव अ डिप्लोटिन स्टेज. नाउ यू हैव योर डिप्लोटिन स्टेज. अब डिप्लोटिन स्टेज जब भी आपके सामने आएगा तो आपको सबसे पहली बात यहाँ पे ये रखनी है कि इस स्टेज के अंदर आपका न्यूक्लियो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स या आपका जो सेंट्रिनल कॉम्प्लेक्स है वो आपका डिजोल्व होना चालू करेगा. सो यू विल फाइंड योर सिनेप्टिनोमल कॉम्प्लेक्स. सिनेप्टिनोमल कॉम्प्लेक्स विच यू हैव विल स्टार्ट टू डिजोल्व. तो बेसिकली आपका जो जिपर प्रोटीन था जो दोनों क्रोमोसोम्स को जोड़ के रखता था वो अब आपके यहाँ पे डिजोल्व होना चालू करता है. सो यहाँ पे आपको सबसे पहली चीज आपको यहाँ पे ये देखने के लिए मिलेगी. तो अगर आपके सामने कोई पूछता है कि कौन से स्टेज के अंदर आपका जिपर प्रोटीन या सेंट्रिनल कॉम्प्लेक्स पर डिजोल्व होना चालू करेगा, देन योर आंसर इज ऑलवेज गोइंग टू बी द डिप्लोटिन स्टेज. इस स्टेज के अंदर आपका सिनेप्टिनोमल कॉम्प्लेक्स आपका डिजोल्व होना यहाँ पे आपका चालू करेगा. सो दैट इज द फर्स्ट थिंग यू हैव टू नो. तो अगर मेरा यहाँ पे सिनेप्टिनोमल कॉम्प्लेक्स डिजोल्व हो रहा है सो हाउ दैट इज गोइंग टू लुक लाइक. सो लेट्स सी यहाँ पे आपकी स्टोरी कैसे दिखेगी. तो ये है मेरा यहाँ पे क्रोमोजोम. और अब आपका यहाँ पे डिसोल्यूशन चालू हो चुका है. आपका वो प्रोटीन जो जोड़ के रखा था जो फेविकोल की तरह, उसने उसे अब लाइक रिलीज करना चालू करेगा. सो नाउ व्हाट यू विल ऑब्जर्व ना कि आपके क्रोमोसोम्स अभी भी एक दूसरे के साथ काफी अच्छे से अटैच हैं, बट ओनली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर. तो जिस पॉइंट से आपका क्रॉसिंग ओवर हुआ है उस पॉइंट से अभी भी मेरे क्रोमोसोम्स एक दूसरे के साथ यहां पे अटैच हैं. तो ये बात आप यहां पे याद रखिएगा कि अभी आपका यहाँ पे क्या हुआ है कि आपके जो दोनों क्रोमोसोम्स थे उनके अंदर आपको क्या मिल रहा है कि आपका सेंट्रिनोमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व होना चालू हो गया. तो आप अगर सेंटर में अगर आप देखोगे तो दोनों बीच में से फ्री हो चुके हैं. फ्रॉम द सेंटर यू कैन सी माय बोथ द क्रोमोसोम्स आर लाइक दे हैव सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर. अब मेरे जो दोनों क्रोमोसोम्स यहाँ पे है दे आर अटैच टू ईच अदर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर. तो आपका जो पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर है वहां से ये लोग यहाँ पे अटैच है. सो इस एक ये पॉइंट वो लोग अटैच है और एक दूसरे पॉइंट से वो अटैच है यहाँ पे. सो माई क्रोमोसोम्स आर अटैच. क्रोमोसोम्स आर अटैच्ड ओनली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर. पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर तो जहां पे आपका क्रॉसिंग ओवर हुआ था उसी पॉइंट से अब ये एक दूसरे के साथ यहां पे अटैच रहेंगे. एंड दिस इज नोन एज ये जो आपका पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है क्रॉसिंग ओवर वाला जहां से लोग एक दूसरे के साथ यहां पे अटैच है, दिस इज नोन एज योर चेजमेटा. दिस इज नोन एज योर चेजमेटा. सो चेजमेटा आपको देखने के लिए मिलेगा आपके डिप्लोटिन स्टेज के अंदर. एक बार फिर आपको बताना चाहूंगा कि जब भी आपके सामने चेजमेटा टर्म याद रखना, दैट सिंपली मींस कि आपके दोनों क्रोमोसोम्स अब आपके यहाँ पे सिर्फ अटैच है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर. और वो जो आपको यहाँ पे दिखता है वो जो स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख रहा होता है कि सिर्फ पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर से लोग अटैच है, दैट इज कॉल्ड एज योर ओवर हियर एज योर चेजमेटा. बताइए बेटा क्या क्वेश्चन है. हाँ जी मनीषा बताइए. सर सभी क्या जो क्रोमेटिड सब दूसरे से जुड़े होंगे या सिर्फ एक पेयर ही? सारे 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 23 पेयर्स. आपका ये सारा इवेंट जो हो रहा है ना ये सारे 23 पेयर के साथ होगा. हम तो यहाँ पे सिर्फ एक ही दिखा रहे हैं क्योंकि हम एक ही दिखा सकते हैं, राइट? नॉट ऑल 23, बट दिस विल बी हैपनिंग विद एवरी वन ऑफ देम. तो आप ऐसा समझना मनीषा की क्रॉसिंग ओवर सबके साथ हो रहा है, ठीक है? उसके बाद डिसोल्यूशन जब आपका चालू हुआ नेक्स्ट स्टेज में वो सबके साथ होगा. सो नाउ यू हैव ऑल द क्रोमोसोम्स जिनके बीच में से सेंट्रिनोमल कॉम्प्लेक्स गया और अब वो एक दूसरे के साथ अटैच है ओनली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर. सो इट विल हैपन विद एवरी वन ऑफ देम. मनीषा पता चला? सर मैंने ये पूछा था कि जो एक पेयर है क्रोमेटिड्स का वो एक दूसरे से अटैच होगा या जो सभी पेयर से जैसे आपने पिक्चर में बनाया है ऐसे होगा या सभी अटैच होंगे? मैं वापस समझा नहीं. लाइक जैसे अभी ये जो आपकी यहाँ पे पैर है तो वन क्रोमेटिड अटैच टू अनदर क्रोमेटिड, ठीक है? फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट. तो हाँ ये इस तरीके से अटैच है. तो आप क्या पूछ रहे हो उसके अंदर? सर जो दूसरे साइड्स वाले हैं वो नहीं अटैच होंगे? ये वाले हैं द अदर क्रोमेटिड, ये वाले हैं. ना 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 ये इंटरेक्ट ये इन्वॉल्व ही नहीं हो रहे.
सो दिस क्रोमैटिड, ये वाला क्रोमैटिड जिसको मैं यहाँ पे नेम देता हूँ, ऐसे ही रैंडम नेम देता हूँ, इसको मैं ए सी और इसको मैं नाम देता हूँ मैं यहाँ पे एज अ जेड एम। ये जो क्रोमैटिड है ना, ये आपके इन्वॉल्व ही नहीं हो रहे आपके क्रॉसिंग ओवर के अंदर, ठीक है। सो दे आर द वन विच नेवर गेट इन्वॉल्व ओवर हियर, तो इसलिए इनका कोई अटैचमेंट वहां पे है नहीं, ये तो आपके वैसे भी फ्री ही थे पहले से अगर देखा जाए तो। सो इवन इफ यू लुक ओवर हियर, इवन इफ यू लुक ओवर हियर, तो ये जो मेरे यहाँ पे क्रोमैटिड है, ये वाला, दिस वन एंड दिस वन, ये कभी आपके लाइक इंटरेक्ट ही नहीं करते फॉलो क्रॉसिंग ओवर के लिए। सो इनके साथ कोई रिलेशन नहीं है, ये तो आपके फ्री ही रहेंगे, ठीक है। सो दे आर गोइंग टू रिमेन इन दैट वे ओनली, वॉट एवर द क्रॉसिंग ओवर इज हैपनिंग बिटवीन द दिस टू क्रोमैटिड्स, बस, और बाकियों के बीच यहाँ पे आपका कुछ नहीं हो रहा। मनीषा इतना पता चला, यस ठीक है। इसमें मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, कभी आप नोटिस करना, आपने टी एच मॉर्गन की स्टोरी पढ़ी है, एंड अगर आपको याद हो तो हमने भी उसके बारे में बात किया था समवेयर इन बिटवीन। सो यस सो उसमें हम पढ़ते थे रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी भी हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो, आर एफ, वी हैव डन समथिंग नोन एज रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। किसी को याद आ रहा है, एनीवन? हम लोग काउंट करते थे टोटल लाइक द नंबर ऑफ योर रिकॉम्बिनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ प्रोजीनी, कुछ याद करिए, दैट इज समथिंग वी यूज्ड टू डू। हम लोग आर एफ फाइंड करने के लिए आपके रिकॉम्बिनेंट के नंबर को काउंट करते थे और फिर अपॉन करें टोटल नंबर ऑफ प्रोजीनी इनटू 100, ये हम किया करते थे। तो अगर आपको याद हो तो उसके अंदर कभी भी आपका वैल्यू 50% से ऊपर नहीं जाता था। आपका आर एफ का वैल्यू कभी आप नोटिस करना, 50% के नीचे रहेगा लेकिन 50% के ऊपर नहीं जाएगा। इट यू विल नेवर फाइंड इट गोइंग बियॉन्ड 50%। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रिकॉम्बिनेशन सिर्फ आपके दो क्रोमेटिड के बीच में ही हो रहा होता है, इसलिए आपका रिकॉम्बिनेशन का जो वैल्यू होता है, कभी देखना आप, कभी भी वो 50% के ऊपर आपको जाकर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। वो सब ठीक है, आई होप यू रिमेम्बर ऑल दोस थिंग्स, ये सब याद रखना पड़ेगा, सब 12th का ही पार्ट है, राइट, आर एफ एंड एवरीथिंग। क्वेश्चन सामने आ गया तो प्लीज संभाल लेना। सो दैट इज समथिंग शुड बी क्लियर टू यू। तो ये चीज आपकी यहाँ पे होती है। सो चेस मेटा फॉर्मेशन आपको मिलेगा होते हुए आपके डिप्लोटिन स्टेज के अंदर, एंड दैट शुड, दैट इज अ वेरी लाइक क्लियर थिंग जो आपको यहाँ पे मिलेगी देखने के लिए। सो और ये एक इंपॉर्टेंट इवेंट है जो आपको यहाँ पे याद रखना है। सो याद रखना, मेरे क्रोमोजोम सेपरेट होना चालू हो चुके हैं बट स्टिल दे आर अटैच फ्रॉम द पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, और उसके हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ चेस मेटा। सो ये चीज आपको यहाँ पे काफी क्लियरली आप सबको यहाँ पे याद रखते हैं। सो दिस शुड बी क्लियर टू यू। नाउ लेट्स सी फ्यू पिक्चर्स, एक दो पिक्चर हम यहाँ पे देखते हैं। लेट्स ट्राई टू सी द पिक्चर ओवर हियर। सो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यू कैन सी यहाँ पे जो मेरे क्रोमोजोम से ओनली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, सिर्फ मेरे क्रॉसिंग ओवर वाले पॉइंट से यहाँ पे ये लोग एक दूसरे के साथ यहाँ पे अटैच है। ये हो गया, ये हो गया, राइट। सो दीज आर ऑल माई चेस मेटा, ये सारे मेरे यहाँ पे चेस मेटा है जहां से वो लोग यहाँ पे अटैच है एक दूसरे के साथ। बाकी बीच में से ये लोग हो चुके हैं फ्री, बीच में से इनका कोई अटैचमेंट है नहीं, फ्रॉम द सेंटर पार्ट दे हैव लिबरेटेड देमसेल्फ। सो दैट इज समथिंग शुड बी क्लियर। यहाँ पे एक और चीज आप यहाँ पे देख लो क्या लिखा हुआ है। सो डिप्लोटिन स्टेज के अंदर क्या हो रहा है? न्यूक्लियो प्रोटीन फ्यूजन कॉम्प्लेक्स रिजॉल्व पार्शली। आपका जो बीच में जो आपका जो सैटिनोल कॉम्प्लेक्स था या जिपर प्रोटीन था, वो आपका पार्शली डिजोल्व हो चुका है क्योंकि सेंटर में से तो आप निकल चुके हो। होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट एक्सेप्ट एट अ रीजन ऑफ क्रॉसिंग ओवर, जो मैंने आपको बताया था, एंड दैट इज कॉल्ड एज माय चेस मेटा। तो इतनी बात याद रखनी है, अगर आपको कहा जा रहा है कि कौन से स्टेज पे आपका डिसोल्यूशन ऑफ सैटिनोल कॉम्प्लेक्स इनिशिएट होता है, देन योर आंसर इज ऑलवेज गोइंग टू बी द डिप्लोटिन स्टेज। यहाँ पे आपका डिजोल्व होना वो चालू होता है, ठीक है। क्या सारे लोगों को यहाँ पे डिप्लोटिन स्टेज समझ आ रहा है? इज द डिप्लोटिन स्टेज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। ठीक है, थैंक यू। ऑलराइट देन, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सिर्फ एक क्रोमोसोम इसलिए आपके लिए बनाया था, जस्ट टू टेल यू व्हाट आर सिस्टर एंड नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो जब आप ये एक होमोलोगस पेयर को आप यहाँ पे देख रहे हो, सो आप देख सकते हो जो दो क्रोमैटिड्स यहाँ पे हैं जो सेम क्रोमोसोम को बिलोंग करते हैं, दे आर माई सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो ये है मेरे यहाँ पे सिस्टर क्रोमैटिड्स, और अगेन यहाँ पे मेरे जो दो क्रोमैटिड्स हैं मेरे जो सेम क्रोमोसोम को बिलोंग करेंगे, दीज आर माई सिस्टर क्रोमैटिड्स, ठीक है। और याद रखना, हमेशा क्रॉसिंग ओवर विल हैपन बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो ये जो दो क्रोमैटिड्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये वाला और ये वाला, दीज आर माई नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, इनके बीच में ही आपको मिलता है आपका क्रॉसिंग ओवर होते हुए। एंड दैट इज व्हाई प्लीज अंडरस्टैंड कि क्रॉसिंग ओवर सबके साथ नहीं होता, बाकी दो क्रोमैटिड्स कभी इन्वॉल्व होते ही नहीं है, और इसलिए आपकी आर एफ की वैल्यू भी कभी 50% के ऊपर आपको जाते हुए नहीं मिलेगी। दैट्स द रीजन फॉर वो, हम लाइक उस बारे में हम जनरली बात नहीं करते कि क्यों वैल्यू 50 के ऊपर नहीं जा रही, बट ये रीजन होता है, क्योंकि अगर आप देखोगे ओनली 50% ऑफ योर क्रोमैटिड टेक्स प्लेस इन क्रॉसिंग ओवर, ओनली 50% ऑफ क्रोमैटिड आर द वन जिनके अंदर रिकॉम्बिनेशन होते हुए आपको मिलता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट
यू सी दैट आर एफ वैल्यू ऑल्सो डजंट गो बियॉन्ड 50%। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे दिख रही है। सो हमारा डिप्लोटिंग स्टेज यहाँ पे खत्म हो चुका है एंड नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट स्टेज जो हमारे यहाँ पे क्या होगा। सो लेट्स हैव अ लुक एट दैट। ये हो गया एंड नाउ यू विल हैव द डायकाइनेसिस। अब डायकाइनेसिस को मैं चलिए यहाँ से ही एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेट मी एक्सप्लेन ओवर हियर। सो व्हाट विल बी हैपनिंग इन द डायकाइनेसिस। अभी आप इस पैर को आप ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या हुआ है कि आपके जो क्रोमोजोम्स हैं अब ये यहाँ पे अटैच है फ्रॉम द टिप्स। सो व्हाट यूजुअली हैपन इन डायकाइनेसिस, नाउ लेट मी मेक यू एक्सप्लेन ओवर हियर ओनली। आपका जो पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर होता है, इट विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द टिप्स। ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। सो आपका जो पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर यहाँ पे रहेगा, इट विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द टिप्स। तो समझो ये मेरे यहाँ पे क्रोमोसोम है, एक और हम बनाते हैं ग्रीन कलर का यहाँ पे। सो अब आपने यहाँ पे क्या दिखा था कि आपका पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर यहाँ पे आपका क्या था। सो यू नो यू हैव दिस पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर जहां से आपका ये लोग एक दूसरे के साथ यहाँ पे अटैच है। सो वही पिक्चर में बता रहा हूँ जो हमने 2 मिनट पहले बनाई थी। ठीक है, तो ये हमने देखा था। सो दैट इज समथिंग वी हैव सीन बाय द एंड ऑफ द डिप्लोटिन स्टेज। अब यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है वो आपका शिफ्ट होता है। सो याद रखना ये मेरा पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है। सो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट इज गोइंग टू शिफ्ट। आप ये कह सकते हो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट शिफ्ट हो गया, या फिर आप कह सकते हो योर चेस मेटा, या फिर आप बोल सकते हो चेस मेटा स्लैश योर पॉइंट ऑफ अटैचमेंट विल शिफ्ट। ये आपका शिफ्ट होगा, विल शिफ्ट टूवर्ड्स पोल्स। ये पोल्स के तरफ शिफ्ट करना चालू करता है, मतलब नॉट टुवर्ड्स द पोल्स, टुवर्ड्स द टिप। ये आपका टिप के तरफ अपना मूव करना यहाँ पे चालू करता है। तो आपका जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट था ये अब आपका निकलना वहां से चालू करेगा एंड विल। अब आप देखोगे यहाँ पे कि आपके दोनों क्रोमोसोम्स सिर्फ एक दूसरे के साथ वहां पे टिप से अटैच है। अब जब आपका ये इवेंट यहाँ पे आपका हो रहा है कि आपका पॉइंट ऑफ अटैचमेंट आपका शिफ्ट हो चुका है टुवर्ड्स द टिप्स, तो ये एक प्रोमिनेंट इवेंट है आपके यहाँ पे डायकाइनेसिस का। सो डायकाइनेसिस के अंदर, इस स्टेज के अंदर आपको यही मिलेगा देखने के लिए कि आप इस तरीके से लगे हुए थे आप पहले, लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ पे, सो नाउ यू विल फाइंड बोथ द क्रोमोसोम्स आर अटैच्ड ओनली फ्रॉम द टिप्स। सो ये दोनों क्रोमोसोम अब सिर्फ एकदम कोने कोने से एक दूसरे के साथ यहाँ पे अटैच है। तो क्रॉसिंग ओवर वाला पॉइंट अब बढ़ चुका है, लाइक वो वहां से निकल के दे आर अटैच ओनली फ्रॉम द टिप्स। ये लोग सिर्फ अपने एकदम एज से यहाँ पे अपने अटैच है। जब आपको ऐसा क्रोमोसोम देखने के लिए मिल जाए, देन समझ जाना दैट इज माई डायकाइनेसिस। और ये जो आपका इवेंट हुआ शिफ्टिंग का, इस इवेंट को हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ टर्मिनलाइजेशन। दैट इवेंट ओवर हियर इज कॉल्ड एज माई टर्मिनलाइजेशन। सो टर्मिनलाइजेशन के अंदर आप याद रखिएगा दैट योर पॉइंट ऑफ अटैचमेंट बिटवीन द क्रोमोसोम्स मूव टुवर्ड्स द टिप्स। जो वहां पे वो अच्छे से अटैच थे, अब वहां से अटैचमेंट वहां से निकलेगा एंड नाउ ओनली दे आर अटैच फ्रॉम द टिप रीजन। और इस इवेंट को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ टर्मिनलाइजेशन। तो याद रखना टर्मिनलाइजेशन इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट थिंग हैपनिंग इन माई डायकाइनेसिस। डायकाइनेसिस के अंदर ये आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट इवेंट होता है जो आपको यहाँ पे होते हुए मिलेगा। तो ये एक और चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। सो दिस इज ऑल्सो वन थिंग विच शुड बी वेरी मच क्लियर टू यू। ठीक है, अब आपका यहाँ पे डायकाइनेसिस हुआ, राइट, इसमें यही चीज होती है और कुछ अलग नहीं हो रहा है यहाँ पे। दैट इज ओनली वेल डिफाइंड थिंग जो आपको यहाँ पे होते हुए मिलेगी। जैसे ही आपका डायकाइनेसिस हुआ, उसके बाद अगली चीज पता है क्या होगी यहाँ पे, आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट करना चालू करेगा। देखिए ये मेरा लास्ट स्टेज है मेरे प्रोफेज वन का। अब आपको दूसरे इवेंट्स यहाँ पे होते हुए आपको मिल जाएंगे। सो ये इवेंट आपका यहाँ पे हो गया। नाउ व्हाट इज द अदर थिंग आई विल फाइंड हैपनिंग। जैसे आपने ये होते हुए आपका देख लिया, आफ्टर दैट यू विल फाइंड योर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विल डीजनरेट। आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डीजनरेट होने लगेगी। Your nuclear membrane will degenerate, right? And उसके साथ साथ आपका जो nucleolus है वो भी आपका disappear हो जाएगा। Nucleolus will also disappear. By the way, किसी को याद है nucleolus क्या करता था? Sir, RNA synthesis. और आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी आपकी जाने लगेगी। तो आप ये बात समझे कि डायकाइनेसिस जब आपका होता है तो बेसिकली अब हम आ चुके हमारे वो स्टेज पे
जहां पे आपका प्रोफेज वन फाइनली खत्म हो रहा है, जो 2 दिन से चल रहा था वो प्रोफेज वन आपका फाइनली यहाँ पे खत्म हो रहा है, एंड दैट इज वॉट यू कैन सी हैपनिंग ओवर हियर। तो जैसे आपका यहाँ पे प्रोफेज वन आपका यहाँ पे खत्म होगा राइट, तो आपको ये वाली चीजें होते हुए आपको दिख जाएंगी। सो बेसिकली डायकाइनेसिस के बाद यू विल फाइंड कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपकी जाती है, न्यूक्लियस आपका जाता है, एंड अल्टीमेटली माय प्रोफेज वन गेट्स कंप्लीटेड ओवर हियर। ठीक है सर, इसमें बोलिए बेटा बोलिए। सर इसमें एंड मतलब गॉल्जी अपरेटस वगैरह सब सब जाएगा, सब जाएगा, वो जो नॉर्मल इवेंट होते हैं ना प्रोफेज के, वो आपके जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, सो एवरीथिंग विल बी स्टार्ट हैपनिंग ओवर हियर, सो यू विल फाइंड दोस थिंग्स आल्सो हैपनिंग इन दिस। सो याद रखना, दीज आर द थिंग्स यू विल फाइंड हैपनिंग। सो हर एक स्टेज के अंदर कुछ तो ऐसा हो रहा है जो आपको याद करने में हेल्प करता है, जैसे डिप्लोटिन स्टेज आपका चेस मेटाफॉर्मेशन राइट, पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर से आपके वहां पे अटैच है, डिसोल्यूशन हो चुका है बीच में से। डायकाइनेसिस, टर्मिनलाइजेशन, टर्मिनलाइजेशन का मतलब आपका यहाँ पे हो रहा है कि आपका टिप्स की तरफ ये मूव कर रहा है, आपका पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर हैज गॉन टुवर्ड्स द टिप्स, सो दैट इज माय टर्मिनलाइजेशन। तो ये इवेंट्स आपको यहाँ पे याद रखने हैं, बिकॉज यू विल फाइंड क्वेश्चन बेस्ड ऑन दैम, उसके ऊपर बेस्ड आपके इन टर्म्स के ऊपर बेस्ड आपके क्वेश्चन बन के आएंगे। ठीक है, तो याद रखना दिस इज ऑल इट स्टार्ट्स फ्रॉम द लिप्रोटीन स्टेज, और एंड में आपका फाइनली डायकाइनेसिस करके आप अपने क्रोमोसोम्स को लाइक यू गेट इनटू दैट पर्टिकुलर पोजीशन। एक और बात याद रखना, आपके होमोलोगस क्रोमोसोम अभी भी जुड़े हुए हैं। ठीक है, आपका जब प्रोफेज वन खत्म होता है ये लोग अभी भी जुड़े हुए हैं, ये बात अलग है कि वो सिर्फ आपके टिप से अटैच है, बट दे आर स्टिल अटैच टू ईच अदर, तो ये बात भूलना मत, ये अभी भी एक दूसरे के साथ यहाँ पे काफी अच्छे से आप यहाँ पे जुड़े हुए हैं, सो दिस शुड बी क्लियर टू यू राइट। सो दैट इज योर डायकाइनेसिस इन दिस। तो क्या डायकाइनेसिस सबको यहाँ पे क्लियर है? आई होप इसको लेकर कोई किसी को कोई क्वेरी नहीं है। जैसे कि हमारे यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होती थी, जिससे कि जो फर्स्ट क्रोमोसोम है उसका क्रोमोसोम दूसरे पे चला जाता था और सेकंड का उस पे आ जाता, बट जैसे कि डायकाइनेसिस में है वो जो टिप्स पे है उसके क्रोमोसोम अपने अपने रहेंगे कि वो शिफ्ट होके टिप्स पे मिलेंगे? देखो सुनो, जब आप यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर कर रहे थे तो आपने क्या देखा कि आपका डीएनए आपका एक्सचेंज होता था राइट, यहाँ से क्रोमोसोम यहाँ पे आया, दैट इज समथिंग यूज्ड टू सी, और ग्रीन से थोड़ा सा आपका वहां पे चला गया, ये आपने पहला स्टेटमेंट आपने बोला, एंड दैट इज समथिंग व्हिच विल बी हैपनिंग। तो चलो ये तो आपका हो जाता है, ठीक है, ये तो आपका सक्सेसफुली आपके यहाँ पे हो जाएगा। अब इसके बाद जब आपका टिप पे ये पहुंच रहा है तो क्रॉसिंग ओवर हो चुका है, क्रॉसिंग ओवर अब आपका यहाँ पे हो चुका है, जो हो चुका है वो हो चुका है, एक्स्ट्रा यहाँ पे और कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, जो आपका जो क्रॉसिंग ओवर करना था वो आप यहाँ पे कर चुके हो राइट, वो एक्सचेंज हो चुका है डीएनए, और जो टिप पे जो आप पहुंच चुके तो वहां पे कोई एक्सचेंज नहीं होगा, जो करना था वो आपका हो चुका है राइट। बस ये है कि करने के बाद, क्रॉसिंग ओवर करने के बाद, नाउ यू हैव अ रिकॉम्बिनेंट ओवर हियर, ये बात पता चली बेटा आपको? यस सर। ठीक है, सो दैट हैज बीन डन, बस वो हो गया, बस नाउ यू जस्ट हैव टू लाइक वेट फॉर द डिवीजन टू मूव अहेड एंड कंप्लीट। सो ये आपको होते हुए आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सो नाउ योर प्रोफेज वन गेट्स कंप्लीटेड, नाउ व्हाट विल हैपन, नाउ वी विल हैव अ मेटाफेज वन। अब मेटाफेज वन बड़ा ही सिंपल सा होता है, पहले ये पढ़ लेते हैं। चेस मेटा शिफ्ट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्रोमोसोम राइट, वही आपका पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, दिस इज नोन एज माई टर्मिनलाइजेशन। उसके बाद क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जाएगी, न्यूक्लियस जाएगा, सो यू विल फाइंड दैट इवेंट हैपनिंग, एंड आफ्टर दैट क्या होगा, देन यू विल हैव द मेटाफेज वन। तो प्रोफेज वन मेरा यहाँ पे सक्सेसफुली खत्म हुआ, अब आप चालू करेंगे आपके यहाँ पे मेटाफेज वन। अब मेटाफेज वन में आपके यहाँ पे क्या दिख रहा है, जितने भी मेरे पैर से क्रोमोसोम होमोलोगस पैर थे मेरे यहाँ पे, वो सारे के सारे सेंटर में लाके मेरे यहाँ पे हो जाएंगे अलाइन, और इनको अलाइन करने के लिए याद रखना आपका सेंट्रियोल आपकी मदद करता है, सो दिस सेंट्रियोल इज गोइंग टू हेल्प यू व्हाट टू मेक दैट हैपन। याद रखना बेटा एक चीज यहाँ पे क्लियरली, कि ये सेंट्रियोल ने डिप्लोटीन स्टेज के अंदर, सॉरी लिप्टोटीन स्टेज के अंदर ही उसने वापस मतलब अपने पोल्स की तरफ जाना चालू कर दिया था, और जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जाती है ये पोल्स पे पहुंचेगा एंड विल फॉर्म द स्पिंडल फाइबर। सो ओवर हियर आपको यहाँ पे क्या दिखेगा कि आपके मेटाफेज वन के अंदर, मेटाफेज वन के अंदर आपके सारे के सारे पैर आपके सेंटर में आके खड़े हो गए, ऑल द पैर्स आर स्टैंडिंग इन द सेंटर। ठीक है, और अभी भी ये जो पैर है वो एक दूसरे के साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं, सो दैट इज योर मेटाफेज वन। अब आप सोचो, जब मेरा एनाफेज वन चालू होगा, जब मेरा एनाफेज वन चालू होगा तो आप जानते हो क्या होगा, आपके जो स्पिंडल फाइबर है ये इसे खींचना चालू करेंगे, दे विल स्टार्ट पुलिंग देम अपार्ट, दे विल स्टार्ट पुलिंग देम अपार्ट। तो आप सोच के बताइए, जब मेरे स्पिंडल फाइबर इसको खींचना चालू करेंगे तो क्या आपका सेंट्रोमियर ब्रेक होगा या नहीं होगा? सर बोल दो, हो रहा है नहीं हो रहा, जल्दी जल्दी नो सर।
कोई ग्रह नहीं हो रहा, एनीवन एल्स? बाकी लोग सर देख लेंगे, देख लेंगे नेक्स्ट स्लाइड में हो रहा है नहीं हो रहा। ऑलराइट, सी व्हाट विल हैपन ओवर देयर ना, आपके मेटाफेज के अंदर ये सब आपके अलाइन हो चुके हैं सेंटर में, एंड व्हेन द एनाफेज विल इनिशिएट। आप सोचिए जब एनाफेज आपका चालू होगा तो आपका पूरा के पूरा क्रोमोजोम खींचा जाएगा, द कंप्लीट क्रोमोजोम इज बीन पुल्ड अपार्ट, पूरा आपका क्रोमोजोम आपका यहाँ पे खींचा जा रहा है। कोई सेंट्रोमेर ब्रेकेज आपको यहाँ पे होते हुए नहीं मिलेगा, योर सेंट्रोमेर इज नॉट स्प्लिटिंग, योर सेंट्रोमेर इज नॉट गेटिंग ब्रोकन ओवर हियर। ऐसे क्वेश्चन भी आपके सामने आएंगे, वो आपको पूछेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनाफेज वन एंड एनाफेज ऑफ माइटोसिस, ये क्वेश्चन आ सकता है कि क्या डिफरेंस होता है आपके एनाफेज के अंदर एंड एनाफेज ऑफ माइटोसिस। तो याद रखना एनाफेज वन के अंदर आपका सेंट्रोमेर ब्रेक नहीं होता, राइट, द कंप्लीट क्रोमोजोम इज पुल्ड अपार्ट, पूरा का पूरा क्रोमोजोम आप खींच के लेके जा रहे हो एनाफेज वन के अंदर। बट जब हम बात करते हैं हमारे नॉर्मल एनाफेज माइटोसिस की, तो उसके अंदर आपका सेंट्रोमेर ब्रेक होगा, यू विल फाइंड अ सेंट्रोमेर विल ब्रेक और क्रोमैटिड्स आपके सेपरेट होके आपके जाते हैं। तो प्लीज ये बात आप यहाँ पे याद रखिएगा, और कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज इंटरप्ट करके पूछ लो, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन देन प्लीज गो अहेड एंड आस्क योर क्वेश्चंस, ठीक है। सो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो इस तरीके से आप अपने क्रोमोसोम को खींच के ले आओगे अपने पोल्स की तरफ, सो दिस इज समथिंग यू विल फाइंड हैपनिंग। एनाफेज वन क्या मेरा यहाँ पे आएगा टेलोफेज वन, यू नो व्हाट हैपेंस इन टेलोफेज वन, मेरे क्रोमोसोम्स मेरे पोल्स की तरफ यहाँ पे पहुंच चुके हैं, राइट, दे हैव रीच्ड टुवर्ड्स देयर पोल। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपका वापस आ जाएगा, ओके, आपके जो क्रोमोसोम्स होंगे वो आपके डीकंडेंस हो जाएंगे, मतलब आपके क्रोमोसोम्स विल फॉर्म इनटू द क्रोमैटिन एंड आपका फोरो फॉर्मेशन आपको होते हुए आपको यहाँ पे मिलेगा, यू विल फाइंड फोरो फॉर्मेशन होते हुए आपको यहाँ पे मिल जाता है, और स्पिंडल फाइबर आपको नजर नहीं आ रहा है, तो स्पिंडल फाइबर हैज एक्चुअली डिसअपीयर्ड, तो स्पिंडल फाइबर मेरे यहाँ पे गायब हो चुके हैं। सो टेलोफेज वन चालू हो चुका है, और उसके साथ साथ आपने साइटोकाइनेसिस की तैयारी भी आपने यहाँ पे चालू कर दी, सो यू हैव आल्सो इनिशिएटेड द इशू स्टोरी ऑफ योर साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस से मुझे याद आया, आपका सेल के अंदर प्लांट्स के अंदर साइटोकाइनेसिस करने के लिए कौन सा ऑर्गेनेल इन्वॉल्व होता है? राइट, गॉल्गी बॉडी विल बी इन्वॉल्व ओवर हियर, ठीक है। और जो स्पिंडल फाइबर जो आपके वहां पे लगे होते हैं जो गायब नहीं होते, उनका नाम क्या होता है? आपके दो सेल मिल जाएंगे, तो एक सेल में से अब आपको यहाँ पे दो सेल मिल चुके हैं। यहाँ पे मैंने सिर्फ दो ही क्रोमोसोम दिखाए, लेकिन दो नहीं होते, लाइक यू हैव ऑल द 23 पेयर्स, बट दिस इज हाउ After meiosis one, आपको यहाँ पे दो क्रोमोसोम्स आपको ये बन के यहाँ पे सॉरी दो सेल्स आपको यहाँ पे बन के मिल जाएंगे, which will have single single set of chromosome. तो आपकी जो पेयर थी ना क्रोमोसोम्स के वो आपके अलग हो चुकी है, सो एक सेल के पास एक ही क्रोमोसोम पूरा, एक के पास दूसरा क्रोमोसोम है, सो दैट इज व्हाट यू विल फाइंड हैपनिंग इन द मियोसिस वन। सो ये बात आपको याद रखनी है बाय द एंड ऑफ द मियोसिस वन, ठीक है। लेकिन स्टोरी आपके यहाँ पे खत्म नहीं होती, नाउ वी हैव टू स्टार्ट विद द मियोसिस टू। लेकिन मियोसिस टू स्टार्ट करने के पहले हमारा ये वी हैव टू इंश्योर दैट कि आपके सारे जो हमने अभी तक टॉपिक कवर किए वो आपको क्लियर हैं, यू हैव यू आर एबल टू सॉल्व क्वेश्चन बेस्ड ऑन देम। सो पहले कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन मियोसिस वन। सो लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट विद दिस सिंपल क्वेश्चन है, प्लीज रेज योर हैंड एंड क्विकली आंसर दिस। मियोसिस रिजल्ट्स इन, मियोसिस रिजल्ट करता है इनटू डूइंग व्हाट? सो पीपल हैव रेज्ड देयर हैंड, सो लेट मी जस्ट सी। दीक्षा आप बता दीजिए क्या आंसर होगा इसके अंदर? डी ऑप्शन, ऑप्शन डी, यस। मियोसिस के अंदर आपके ये सारे इवेंट्स होते हैं, प्रोडक्शन ऑफ गैमेट, रिडक्शन इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड इंट्रोडक्शन ऑफ वेरिएशन। और ये आपका इंट्रोडक्शन ऑफ वेरिएशन आपका आता है बिकॉज ऑफ द रिकॉम्बिनेशन एंड क्रॉसिंग ओवर, उसकी वजह से आपको वेरिएशन देखने के लिए आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। सो दैट इज माय क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर थ्री, मियोसिस अकर्स इन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग, ये जनरली आपका कब होते हुए आपको यहाँ पे मिलेगा? सो मियोसिस होने का जनरली आपके यहाँ पे रीजन क्या होता है? So again, please raise your hand and try to answer this. बताइए रिया शर्मा क्या होगा इसके अंदर आंसर? डी ऑप्शन, राइट, यू विल फाइंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। सो मियोसिस अकर्स इन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके। रिया, आर यू द सेम रिया फ्रॉम दैट पर्टिकुलर बैच B9 फ्रॉम 11th ग्रेड? यस सर, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। ऑलराइट, ठीक है। So that is what you will find. So sexual reproduction will, during this process, we will find the meiosis will takes place. Okay? So ये चीज़ आपको होते हुए आपको यहाँ पे मिल जाएगी. Then, अब यहाँ से थोड़ा ध्यान से करना. In meiosis, crossing over is initiated at.
क्रॉसिंग ओवर आपका इनिशिएट कब किया जाता है, प्लीज रेज योर हैंड एंड ट्राई टू टेल मी द आंसर. सो टेक योर टाइम, टेक योर 30 सेकेंड्स, याद करो कि कब होता है आपका क्रॉसिंग ओवर एंड देन ट्राई टू आंसर दिस. ऑलराइट, यू विल हैव रेज देयर हैंड ओवर हियर. सो शगुन बताइए क्या लग रहा है आपको इसके अंदर क्या आंसर होगा? सर ए. ऑलराइट, शगुन इज सेइंग ऑप्शन ए ओवर हियर. हिमानी आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन ए. ओके, आई एम स्टिल नॉट श्योर, आई टेक वन मोर आंसर. पायल दीक्षित क्या लग रहा है आपको यहाँ पे आंसर? ऑप्शन ए. यस, पैकेटेन स्टेज इज अ स्टेज जहां पे आपका क्रॉसिंग ओवर होता है. अब पायल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि पैकेटेन स्टेज में इनिशियली क्या होगा कि आपको जहां पे क्रोमोसोम्स आपके जुड़े हुए हैं वहां पे आपको कुछ डेंस एरिया देखने के लिए मिलेगा. सो व्हाट इज दैट डेंस एरिया नोन एज पायल, क्या आप बता सकते हो उसे हम जनरली क्या बोलते हैं इनिशियली? सर फिर से बोलना. क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि आपके जो दो क्रोमोसोम्स यहाँ पे आपके जुड़े होते हैं राइट, उनके बीच में आपको डेंस एरिया देखने के लिए मिलता है ड्यूरिंग द पैकेटिंग स्टेज. तो उस डेंस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? सर इक्वेटोरियल प्लेन. ओके ठीक है, अरुषि आप बताना चाहेंगे क्या होता है वो डेंस एरिया? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स. राइट, दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स. ठीक है, और अरुषि ये भी बता दो कि रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल के अंदर मुझे क्या मिलेगा देखने के लिए, व्हाट आई विल गेट टू सी इन देम? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स जो आपके वहां पे होते हैं उसके अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलता है? चलो कोई नहीं, विल आस्क, लेट्स से कोई और बताना चाहेगा, लेट्स से आप मनीषा बताना चाहोगे इसके अंदर आपको क्या मिलेगा देखने के लिए? सर रिकॉम्बिनेशन एंजाइम. हाँ ठीक है, यस यू कैन से दैट. सो यू विल हैव अ मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स और जो एंजाइम आपको यहाँ पे याद रखना है दैट इज माय रिकॉम्बिनेज एंजाइम. तो आप ये भी याद रखोगे तभी चलेगा. सो रिकॉम्बिनेज एंजाइम आपको यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए, तो ये बात भी याद रखना. स्टेटमेंट जब आते हैं ना ऐसे बन के तो आपको याद आना जरूरी है. ऐसे क्वेश्चन तो आप संभाल लेते हो बट स्टेटमेंट्स में भी आएगा तब भी आप इन्हें हैंडल कर लीजिएगा. सो नाउ यू हैव अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ मियोसिस इन करेक्ट सीक्वेंस. 2015 का क्वेश्चन है, आपको इन सीक्वेंस को सही ऑर्डर में यहाँ पे आपको प्लेस करना है. सो थिंक वाइजली एंड ट्राई टू आंसर दिस थिंग ओवर हियर करेक्टली. सो टेक योर 30 सेकंड्स, देख लीजिए सारे इवेंट्स को ध्यान से एंड देन उन्हें आप यहाँ पे सही से प्लेस करेंगे. ऑलराइट, सो सम पीपल हैव रेज्ड देयर हैंड. चलिए देखते हैं, बताइए तमन्ना क्या लग रहा है आपको इसके अंदर सही आंसर? सर ए ऑप्शन. तमन्ना को यहाँ पे लग रहा है, लेट्स टेक वन मोर आंसर ओवर हियर. व्हाट डू यू थिंक नेहा कुमारी, आपको क्या लग रहा है इसके अंदर आंसर? सर ए ऑप्शन. ऑलराइट ठीक है, सो ए ऑप्शन आप लोगों का यहाँ पे सही है. सो आपको जो पहला इवेंट इन चारों में अगर देखा जाए तो दैट विल बी माय साइनेप्सिस. राइट नेहा, आप बता सकते हो साइनेप्सिस कौन से स्टेज में होता है प्रोफेज वन के? जायगोटिन स्टेज. जायगोटिन स्टेज के अंदर आपको ये होते हुए आपको मिल जाएगा. राइट, देन यू विल हैव योर बी के, और आपका यहाँ पे आएगा ए क्रॉसिंग ओवर जो आपका पैकेटिंग स्टेज में होगा. देन यू हैव योर सी टर्मिनलाइजेशन ऑफ चेस मेटा, ये आपका कब होता है कौन से स्टेज में आपको मिलेगा टर्मिनलाइजेशन होते हुए? राइट, दिस विल बी हैपनिंग इन माय डायकाइनेसिस. एंड डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियस ये कब होगा होते हुए, ये कब होगा दिखेगा आपको होते हुए? दोनों के दोनों आपके डायकाइनेसिस के अंदर ही होंगे. सो यस, आपका ऑप्शन ए यहाँ पे बनता है करेक्ट आंसर. सो यस, ऑप्शन ए बिकम्स योर करेक्ट आंसर. सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर. चलिए, द एंजाइम रिकॉम्बिनेज इज रिक्वायर्ड एट विच स्टेट ऑफ योर मियोसिस? अगेन प्लीज रेज योर हैंड टू आंसर दिस. आपका एंजाइम रिकॉम्बिनेज की जरूरत आपको कौन से स्टेज पे आपको यहाँ पे पड़ती है? सो प्लीज रेज योर हैंड एंड ट्राई टू क्विकली आंसर दिस. सो यार टेक योर 30 सेकंड्स, टेक योर टाइम. बताइए अंकिता, अनीता, अंकिता, जगदीश कुमार बताइए. राइट, पैकेटिंग स्टेज के अंदर, यस याद रखना पैकेटिंग स्टेज के अंदर आपका यहाँ पे आपका रिकॉम्बिनेस एंजाइम के हम इस्तेमाल करेंगे. सो यहाँ पे आपका आपका क्रॉसिंग ओवर हो रहा होता है. देन 2013 का क्वेश्चन है, द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय द पेयर ऑफ साइनेप्स होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड. जो आपका कॉम्प्लेक्स बनता है इनको पेयरिंग करके उसके लिए हम यहाँ पे एक टर्म यूज करते हैं. सो वो टर्म यहाँ पे आपका कौन सा हो सकता है? अगेन प्लीज रेज योर हैंड एंड ट्राई टू आंसर दिस. सो बताइए रमिता क्या लग रहा है आपको इसके अंदर आंसर? सर सी. और रमिता ये जो बायवेलेंट होता है इसके अंदर आपको कितने क्रोमैटिड देखने के लिए आपको मिल जाएंगे? सर 4. और कितने सेंट्रोमियर होंगे? 2.
और बायवेलेंट के अलावा एक और हम यहाँ पे टर्म यूज करते थे, वो टर्म क्या होता था? टेट्रेड. राइट, सो दीज आर गोइंग टू बी द ऑल द करेक्ट आंसर्स एंड यस ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही है. जब आपका पेरिंग यहाँ पे हो जाता है तो उस स्ट्रक्चर को हम यहाँ बोलेंगे एज अ बायवेलेंट. देन ध्यान से करना, 2020 का क्वेश्चन है. डिसोल्यूशन ऑफ साइटोनिल कॉम्प्लेक्स अकर्स ड्यूरिंग. आपका साइटोनिल कॉम्प्लेक्स आपका ब्रेक होना चालू करता है या डिसॉल्व होना चालू करता है. दैट विल स्टार्ट हैपनिंग इन दिस स्टेज. सो प्लीज टेक योर 15 सेकंड्स एंड देन क्विकली आंसर दिस बाय रेजिंग योर हैंड ऑब्वियसली. सो भुवनेश्वरी बताइए क्या लग रहा है आपको इसके अंदर, क्या आंसर होगा? ऑप्शन सी. ठीक है, भुवनेश्वरी सेइंग अस ऑप्शन सी. देन तमन्ना आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन बी. ओके नहीं सॉरी ऑप्शन डी सी. सॉरी हो गया बेटा, माइनस वन मिल गए, खत्म बात. ऑलराइट, आई विल जस्ट टेक वन मोर आंसर ओवर हियर. आई थिंक इट्स क्वाइट एविडेंट. रमिता क्या होगा इसके अंदर आंसर? सर सी. ओके रमिता, सो यू विल फाइंड दैट हैपनिंग ओवर हियर. ये चीज आपको यहाँ पे होते हुए मिलेगी, डिसोल्यूशन होते हुए आपको मिलेगा डिप्लोटिन स्टेज के अंदर. आप मुझे ये बताइए कि अब मेरे क्रोमोसोम्स कहाँ से जुड़े हुए हैं? ये दे आर स्टिल अटैच बट फ्रॉम वेयर दे आर अटैच ओवर हियर. एंड पॉइंट से, पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर से. ठीक है, एंड पॉइंट नहीं, पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर से. तो डिप्लोटिन स्टेज के अंदर आपका बीच में से आपका जाएगा वो जो प्रोटीन लगा हुआ है कॉम्प्लेक्स, ये आपका गायब हो जाएगा. इट विल गेट डिसॉल्व ओवर देयर. ठीक है, बट मेरे क्रोमोसोम्स अभी भी अटैच है मेरे यहाँ पे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, और उसे हम बोलते हैं यहाँ पे चेज मैटा. राइट, सो ये आप याद रखिएगा. पता है कई बार क्या होता है, एकदम से क्वेश्चन पूछ लेते ना तो आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हो, विच इज वेरी कॉमन. ये हर एक बैच में मैंने होते हुए देखा है सडनली. सो या दैट्स वेरी अंडरस्टैंडेबल. So that chess meta formation will be seen in this particular stage. Now, इसको आपको यहाँ पे करना पड़ेगा match the following. So you will have to do the match the following. तो ध्यान से A B C D आप यहाँ पे देखिए. अपने 15 second लीजिए and then come up with the right answer over here. So पता है आप यहाँ पे काफी clearly देख सकते हो what kind of question they ask. They are actually asking question mainly based on your Prophase 1. आप देखोगे multiple questions आपको यहाँ पे दिख रहे हैं जो आपके नीट के हैं. So that is why we pay slightly more attention. और फैकल्टी एक ही चीज बार बार इसलिए रिपीट कर रहा होता है. ओके, सो यू कैन सी द मैच फॉलोइंग. नाउ प्लीज लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू आंसर दिस. राजकुमारी बताइए क्या लग रहा है आपको इसमें ऑप्शन सही? सर ऑप्शन बी. आप यहाँ पे कह रहे हो ऑप्शन बी. ठीक है, प्रीति बनियाल आपको क्या लग रहा है? सर बी ऑप्शन. आपको भी यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे लग रहा है. अंकिता कुमारी आपको क्या लग रहा है? सर बी ऑप्शन. तो अंकिता कुमारी चलिए इनको मैच करा दीजिए. लैगोडिन किसके साथ मैच करेगा? सर फोर के साथ. साइनेप्सिस यहाँ पे मैच करेगा. ठीक है, पैगोडिन किसके साथ मैच करेगा? क्रॉसिंग ओवर. ठीक है, डिप्लोटिन चेस बेटा. और डायकिनेसिस टर्मिनलाइजेशन. So that is what you will find happening over here, और ये चीज आपको यहाँ पे add रखनी है. So these are going to be the, so in that case yes, we'll find option B over here becomes the correct answer. चलिए एक और question. So यहाँ पे देखिए question क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा. Crossing over takes place between which chromatid and in which stage of the cell cycle? So ध्यान से take your again 15 seconds and read the question thoroughly and then come up with the answer by raising your hand. So इसके लिए hand raise कर दिया है काफी जल्दी रमिता ने and तमन्ना ने कर दिया. तमन्ना बताइए क्या होगा इसके अंदर आंसर? सर मैं भी पढ़ रही हूँ. पढ़ो. बताइए रिया शर्मा क्या होगा इसके अंदर आंसर? डी ऑप्शन. अच्छा डी कह रहे हो आप. नहीं सर बी. ऑलराइट ठीक है. देन प्रीति संधु. प्रीति संधु क्या होगा इसके अंदर आंसर आपके हिसाब से? बी ऑप्शन. बी ऑप्शन. ऑलराइट ठीक है. सो यस योर ऑप्शन बी ओवर हियर विल बी द करेक्ट आंसर. आपका क्रॉसिंग ओवर हो रहा होता है बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स. आपके नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच आपका यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होगा एट अ पैकेटिंग स्टेज ऑफ प्रोफेज वन. सो ऑप्शन बी ओवर हियर बिकम्स अ करेक्ट आंसर. पीवाईक्यू एक बहुत बड़ा बढ़िया एविडेंस है जिससे आपको आइडिया लग रहा है कि बेसिकली आपका ये जो चैप्टर इसमें से मेनली आपके क्वेश्चन एक हैवी वेटेज क्वेश्चन आपके कहां से बनते हैं. सो प्लीज मेक श्योर रिमेंबर दैट. ऐसे क्वेश्चन को लेके भी यू जनरली डोंट हैव अ कंसर्न, बट याद रखना स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन अगर आते हैं इवन देन यू आर एबल टू हैंडल दैट. The stage during which
सेपरेशन ऑफ पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम बिगिंस. अगेन क्वेश्चन काफी सिंपल है, बस आपको क्वेश्चन को समझना है. द स्टेज ड्यूरिंग विच सेपरेशन ऑफ पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम बिगिंस. सो 42 आरुषि बताइए क्या आंसर होगा इसका. डिप्लोटिन. आरुषि यहाँ पे डिप्लोटिन कहना चाहते हैं. भुवनेश्वरी आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन बी. यस. एंड एक और आंसर हम ले लेते हैं यहाँ पे. अंकिता कुमारी आपको क्या लग रहा है? सर बी ऑप्शन. यस. सो डिप्लोटिन स्टेज इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर. बिल्कुल सही. एंड वन मोर थिंग, जब आप लोग इंटरेक्ट करते हो व्हेन यू रेज योर हैंड एंड आंसर द क्वेश्चंस ना, आप सिर्फ अपने लिए आंसर नहीं कर रहे, यू आर ऑल्सो हेल्पिंग अदर पीपल आउट टू अंडरस्टैंड कि क्या आंसर है, राइट? सो प्लीज, या दैट्स वेरी गुड थिंग इफ यू आर एबल टू आंसर दिस थिंग्स क्लियरली. सो अच्छी बात है. सो डिप्लोटिन स्टेज याद रखना, इस स्टेज के अंदर आपका यहाँ पे बेसिकली आपको मिलेगा यहाँ पे आपका कि साइटोकाइनल कॉम्प्लेक्स का ब्रेक होगा एंड विल स्टार्ट सेपरेटिंग फ्रॉम ईच अदर. सो दैट इज योर ऑप्शन ए बी ओवर हियर. अगेन मैच द फॉलोइंग. अगेन यू हैव टू मैच द फॉलोइंग. Quickly take your 30 seconds and come up with the right answer. देखिए इस match the following को. Again 2016 का question है आपके NEET का. अपने 30 second यहाँ पे लीजिए and tell us कि क्या होगा इसके अंदर आपका सही answer. What over here is going to be correct answer. So now we can see people raising their hands. बताइए तमन्ना क्या लग रहा है आपको इसके अंदर answer? Sir A option. आपको यहाँ पे लग रहा है? ठीक है. Let's see some other people having some other answer might be. Payal Dixit, आपको क्या लग रहा है? Sir, option A. Payal Dixit यहाँ पे कह रहे हैं. चलिए मनीषा आप बता दीजिए. Sir, option A. और एक मनीषा मैच कर दीजिए फटाफट हमारे लिए. Packaging कहाँ पे जाएगा? Crossing over. Okay, crossing over के साथ. Metaphase 1. Sir, chromosome align at equator. बिल्कुल, chromosome सारे align कर रहे हैं आपके यहाँ पे equator के plane के ऊपर. Diakinesis. So, terminalization of chase matter. ठीक है. एंड जायगोटिन. पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम. वो ही रह गया. यस, योर ऑप्शन है ओवर हियर बिकम्स करेक्ट आंसर. ठीक है. इन मियोसिस क्रॉसिंग ओवर इज इनिशिएटेड एट. आपका क्रॉसिंग ओवर आपका इनिशिएट कहां किया जाएगा, इसका आंसर अब मैं ही कर देता हूं. यू विल फाइंड दैट हैपनिंग इन द पैकेटिन स्टेज, राइट? दिस इज वेयर यू विल फाइंड द क्रॉसिंग ओवर टेक्स. एक ही क्वेश्चन जो वापस रिपीट हो चुका है. ओके, ये भी हम लोग कर चुके. वी हैव डन दिस क्वेश्चन. द एंजाइम रिकॉम्बिनेज इज रिक्वायर्ड एट व्हिच स्टेज ऑफ मियोसिस. आप अनम्यूट करके वैसे ही बोल दो आप लोग, अगर आपको आंसर मालूम है तो. ऑप्शन बिकम्स अ करेक्ट आंसर. बिल्कुल सही. इसके अंदर ही आपको ये होते आपको मिलेगा. ड्यूरिंग मियोसिस वन द क्रोमोसोम पेयरिंग स्टार्ट्स पेयरिंग एट. अगेन इसके लिए हैंडल करना पड़ेगा. आपके मियोसिस वन के अंदर पेयरिंग आपका कब होगा, कौन बताएगा? अंकिता कुमारी आप बताएंगे क्या आंसर होगा इसका? कब होती है आपकी पेयरिंग स्टार्ट? बताइए पायल दीक्षित, कब होगी आपकी पेयरिंग स्टार्ट यहाँ पे? डिप्लोटिन स्टेज पे, ऑप्शन सी. ओह, ऑलराइट. रिया शर्मा बताइए जल्दी. डिप्लोटिन. व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है यहाँ पे? तमन्ना बताइए. Now the one is not answering. But hey, Manisha, jaldi batai, kya hoga iske andar answer? So, zygotine. And Arushi, aapko kya lag raha hai? Packetin. You all have given like, the moment I start thinking, kya haan ji, sabko sab samaj aa raha hai and everything is falling in place, you have given me all the different kind of answers. Beta, ek baar batao, meiosis 1 ke dauran, aapka kya poocha hai in logo ne? Chromosome start pairing. पेयरिंग मतलब साथ में आके खड़े होना और जुड़ जाना. साथ में आके खड़े होना और वहां पे जो लाइक जुड़ने का जो प्रोसेस होता है उसे हम यहाँ पे कहते हैं आपका यहाँ पे पेयरिंग. तो अब आप मुझे बताइए पेयरिंग आपको कब होते हुए मिलेगी? तो क्यों फिर अलग अलग आंसर आप लोग यहाँ पे दे रहे हो? लाइक द सेंस ऑफ हैप्पीनेस जो आपको मिल रही थी कि हाँ भाई बच्चों को आ रहा है, क्वेश्चन सॉल्व हो रहे, एवरीथिंग इज फॉलोइंग इन प्लेस एंड यू आर लाइक सर पैकेट इन डिप्लोट इन कर दिया आप लोगों ने यहाँ पे. So it is your option A. Option A would have been the correct answer. क्यों ऐसा हुआ लेकिन? Why you answered suddenly different? एकदम से. So this is what you will find happening over here. So option A, याद रखना, pairing आपकी zygotin stage में ही होती है. ठीक है? Please don't go for diplotin. Diplotin stage में तो सब कुछ हो चुका है. Like you are almost done with everything. Crossing over भी वहाँ पे हो चुका है. ये तो आपका starting वाला part है बिल्कुल. Pairing करना. That is my zygotin stage. Then
सो दीज आर द क्वेश्चंस वी हैव कंप्लीटेड. वी हैव फ्यू मोर क्वेश्चंस बट उसे हम करेंगे आफ्टर कंप्लीटिंग द मियोसिस टू. सो वी हैव रफली सीन अराउंड 10-12 क्वेश्चंस राइट नाउ. नाउ लेट्स जंप बैक टू योर मियोसिस टू जो बहुत ही सिंपल सा आपका प्रोसेस होगा. मियोसिस वन अगर आपको समझ आ गया हो ना देन मियोसिस टू विल बी द वॉक इन अ पार्क फॉर यू. ये बिल्कुल लाइक एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको यहाँ पे रोड रहेगा जो आप यहाँ पे समझ जाओगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द मियोसिस टू. तो मियोसिस टू में आपके यहाँ पे क्या हो रहा है. सो यू विल हैव अ प्रोफेज टू. अब मियोसिस टू इज वेरी सिमिलर टू योर माइटोसिस. मियोसिस टू आपके बिल्कुल माइटोसिस जैसा ही होता है. ठीक है तो देखिए यहाँ पे क्या होगा. आपका प्रोफेज वन जो आपका चालू होता है तो सेम ओल्ड चीज है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब होने लगेगा. सेंट्रियोल्स विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द पोल्स. सेंट्रियोल्स विल मूव टुवर्ड्स द पोल्स. आपका न्यूक्लियस यहाँ पे आपका वैनिश होने लगता है राइट. एंड यहाँ पे जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है आपका वो क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो रहा है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है. व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर बताइए जल्दी. क्रोमैटिन विल गेट कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम. मेरे जो क्रोमैटिन यहाँ पे है वो आपका कंडेंस होगा एंड विल फॉर्म द क्रोमोसोम. सो ये आपके कुछ इवेंट्स है यहाँ पे. दीज आर द फ्यू इवेंट्स व्हिच यू विल फाइंड हैपनिंग ओवर हियर. ये आपके कुछ इवेंट्स आपके यहाँ पे होते हैं जो आपको यहाँ पे होते हुए आपको यहाँ पे दिख जाएंगे. ठीक है. सो ये आपका होता है आपका प्रोफेज टू जो बहुत कॉमन है. वी हैव ऑलरेडी सीन दिस थिंग हैपनिंग इन द पास्ट. इसके बाद आपका यहाँ पे आएगा मेटाफेज टू. नाउ यू कैन सी ऑल द क्रोमोसोम्स आर अलाइन इन द सेंटर. अब ध्यान रखना ये बात को. मेटाफेज वन और मेटाफेज टू में फर्क ये है. मेटाफेज टू के अंदर सारे क्रोमोसोम सेंटर में अलाइन है. मेटाफेज वन के अंदर आपकी होमोलोगस पेयर आपके सेंटर में अलाइन थे. All the pairs were aligned in the center. यहाँ पे pairing आपको नहीं मिल रही. You are only finding the chromosomes, single set of chromosomes getting themselves aligned in the center. अब आप मुझे बताइए जब आपका यहाँ पे anaphase चालू होगा तो क्या यहाँ पे सेंटर में ब्रेक होगा या नहीं होगा. Yes sir. बिल्कुल 100% मेरा यहाँ पे सेंटर में ब्रेक किया जाएगा. So when I will find your anaphase will initiate. So let's start with anaphase. जैसे ही आपका anaphase चालू होगा So, आप क्या करते हो आपका सेंट्रोमियर यहाँ पे ब्रेक किया जाएगा और आपके क्रोमैटिड्स विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द रिस्पेक्टिव पोल्स. सो आपके क्रोमैटिड्स यहाँ पे ब्रेक होके दे विल स्टार्ट मूविंग अपार्ट इनटू द रिस्पेक्टिव पोल्स. तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है. दैट इज व्हाट यू विल फाइंड हैपनिंग इन द एनाफेज टू. एंड देन यू विल हैव द टेलोफेज टू आफ्टर दैट. अब आपका यहाँ पे आता है टेलोफेज टू राइट. ये मैं सब आपको काफी फटाफट इसलिए करा रहा हूँ बिकॉज यू हैव सीन ऑल दोस इवेंट्स हैपनिंग. ओके आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आ रही है. अगर कोई कंफ्यूजन है तो लिख देते हम लोग यहाँ पे. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज गोइंग टू रीअपीयर. आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपकी वापस आ जाएगी. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज गोइंग टू रीअपीयर. बॉल्जी बॉडी एंड ईयर आल्सो अपीयर. सब आपके आ जाएंगे. ऑर्गेनेल भी आपके यहाँ पे आ जाते हैं. बिल्कुल सही बात है. और न्यूक्लियस भी आपके यहाँ पे आ जाएगा राइट. न्यूक्लियस विल ऑल्सो रीअपीयर. और क्या गायब हो चुका है यहाँ से. व्हाट हैज वैनिश्ड फ्रॉम हियर. स्पिंडल फाइबर. स्पिंडल फॉर्मेशन. बहुत सही. स्पिंडल फाइबर हैज आल्सो डिसअपीयर. ये गायब हो चुका है आपका यहाँ से. ये आपको दिख नहीं रहा राइट. एंड यू कैन सी द क्लीवेज फोटो फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिख जाएगा. एक और चीज यू विल फाइंड योर डीकंडेंसेशन हैपनिंग. डीकंडेंसेशन हैपनिंग दैट मीन्स आपका जो क्रोमोसोम है वो आपका क्रोमैटिन में कन्वर्ट हो जाएगा राइट. जो आपका क्रोमोसोम यहाँ पे है दैट विल कन्वर्ट इनटू योर क्रोमोसोम. और आपका फोरो फॉर्मेशन आपको यहाँ पे होते हुए मिल जाए. सो आपका क्लीवेज फोरो जिसे हम कहते हैं यहाँ पे क्लीवेज फोरो वो आपको मिलेगा यहाँ पे होते हुए. विल फाइंड योर क्लीवेज फोरो विल बी सीन हैपनिंग ओवर हियर. और आपका साइटोकाइनेसिस आप देख सकते हो कि आपके यहाँ पे चालू हो चुका है. सो अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन आफ्टर सम टाइम कि आपके एक सेल में से और दो सेल बन रहे. सो जो मियोसिस वन के बाद जो मिला था सेल उसको ही हम करा रहे हैं यहाँ पे मियोसिस टू राइट. और जब इन्होंने हमने इनसे मियोसिस टू करवाया तो आपको अल्टीमेटली आपके चार सेल आपको मिल जाते हैं. एंड दोस फोर सेल्स आर माय हैप्लॉइड सेल्स. ठीक है. सो इस तरीके से आपका मियोसिस टू खत्म होगा और आपके अल्टीमेटली आपको चार सेल यहाँ पे आपको मिल जाएंगे. याद रखिएगा मियोसिस वन के बाद आपको दो सेल मिले थे. दोनों सेल मियोसिस टू करेंगे एंड अल्टीमेटली यू विल गेट ऑल द फोर सेल्स. अब ये चार सेल आर पोटेंशियल गैमेट्स. सो दे आर माई पोटेंशियल गैमेट्स जिनको यूज करके यू विल अंडरटेक द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है. सो दिस इज वन थिंग विच शुड बी वेरी 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 मच क्लियर टू यू. ठीक है. तो यहाँ पे आपका मियोसिस सक्सेसफुल यहाँ पे होता है आपका खत्म. अब आपको यहाँ पे एक चीज याद रखनी है. मियोसिस का सिग्निफिकेंस क्या होता है इवोल्यूशन के अंदर. यू गेट वेरिएशन एंड इन द पॉपुलेशन यू गेट अ वेरिएशन. एंड ये आपका हो रहा है बिकॉज ऑफ द
क्रॉसिंग ओवर एंड रिकॉम्बिनेशन, और इसका बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंस है इन टर्म्स ऑफ योर अडेप्टेशन एंड रिवोल्यूशन। अगर पॉपुलेशन में वेरिएशन ना हो तो पॉपुलेशन अडेप्ट नहीं कर सकता, एज सिंपल एज दैट। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आपने देखा है आपका इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म इवोल्यूशन के अंदर, आपका वेरिएशन था ना, एक कलर का मॉथ था, एक व्हाइट कलर का मॉथ था, राइट? अगर वेरिएशन तो अडेप्टेशन का कोई चांस ही नहीं रहता। सो यू नो, यू शुड नो दैट यू नीड टू हैव अ वेरिएशन इन द पॉपुलेशन, दैट एक्चुअली हेल्प्स इन द अडेप्टेशन। डार्विन फिंचेस का भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो, राइट? यस सो दे वर आल्सो एबल टू अडेप्ट टू द डिफरेंट काइंड ऑफ फूड इन डिफरेंट हैबिटेट। सो याद रखना, दैट्स गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। अलॉन्ग विद दैट आपको मिलता है आपका गैमेट फॉर्मेशन में, ये आपकी मदद करते हैं। बेसिकली गैमेट फॉर्मेशन के दौरान ही आपको मियोसिस होगा, ठीक है? तो इतने पॉइंट्स आप यहाँ पे रखना, दे शुड बी इनफ फॉर यू टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से, काफी इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे इवेंट होता है। अच्छा, अब इसमें एक चीज आप यहाँ पे याद रखेंगे, इंटरकाइनेसिस। अब इंटरकाइनेसिस में क्या होगा, जब आपका मियोसिस वन खत्म होता है, सो जब आपका मियोसिस वन आपका खत्म होगा, व्हेन यू विल फाइंड योर मियोसिस वन विल गेट कंप्लीटेड, राइट? और जब आपका मियोसिस टू आपका चालू होता है, सो मियोसिस वन कंप्लीट होने के बाद और मियोसिस टू चालू होने के बाद, चालू होने के पहले जो आपका जो ब्रेक होता है यहाँ पे, जो आपको यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लगा, सेल विल बी लाइक लेट्स टेक अ स्मॉल ब्रेक, और जो ब्रेक यहाँ पे आपका लिया जाता है उसको हम कहते हैं यहाँ पे एज इंटरकाइनेसिस। सो मियोसिस वन खत्म होने के बाद और मियोसिस टू चालू होने के पहले जो आपको यहाँ पे जो ब्रेक मिलेगा, दैट ब्रेक इज कॉल्ड एज माय इंटरकाइनेसिस। इसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे एज इंटरकाइनेसिस। सो इंटरकाइनेसिस और इंटरफेस टू इज अ पीरियड ऑफ रेस्ट दैट सेल्स ऑफ सम स्पीशीज एंटर ड्यूरिंग मियोसिस, बिटवीन मियोसिस वन एंड मियोसिस टू, इनके बीच में जो आपका जो रेस्टिंग फेज यहाँ पे होता है उसे हम कहते हैं यहाँ पे एज इंटरकाइनेसिस। याद रखना, इंटरकाइनेसिस के दौरान कोई डीएनए रेप्लिकेशन आप कर नहीं रहे, वो एक ही बार होता है, बार बार नहीं होता। हाँ, यहाँ पे आपको थोड़ा प्रोटीन सिंथेसिस आपको मिल सकता है, यू कैन फाइंड सम अमाउंट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस कैन बी सीन, बट डीएनए रेप्लिकेशन आपको यहाँ पे होते हुए आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। यू वोंट फाइंड एनी काइंड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन टेकिंग प्लेस ओवर देयर, राइट? सो नो डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स ड्यूरिंग द इंटरकाइनेसिस, ये बात आपको यहाँ पे रखनी है याद। सो दिस इज वॉट यू हैव टू नो। और यहाँ पे आपका फाइनली मियोसिस आपका खत्म होता है। सो वन टू हमने सब देख लिया, सो ओवर हियर द मियोसिस विल गेट कम्प्लीटली, लाइक अल्टीमेटली विल गेट कम्प्लीटेड, राइट? एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, लेट्स हैव अ लुक एट, अच्छा दीज आर द क्वेश्चंस वी हैव ऑलरेडी सीन, we'll just see couple of question and then we can wrap this up, ठीक है? एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे at which stage of the cell cycle the histone protein are synthesized in the eukaryotic cell, please raise your hand and try to answer this। कौन से स्टेज के अंदर आपके histone proteins का आपका synthesis आपको होते हुए आपको यहाँ पे मिलेगा, बताइए सूर्यांश, क्या होगा इसका आंसर? Second। Right। So S phase के अंदर आपका यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस आपका यहाँ पे हो सकता है। अच्छा, कोई मुझे हैंड रेज करके बता सकता है कि हिस्टोन प्रोटीन बनाने के अलावा और कौन से दो इवेंट्स यहाँ पे S phase के अंदर हो सकते हैं? कौन बताएगा? नेहा कुमारी बताएंगे या तमन्ना बताएंगे, कौन बताएगा? बताइए तमन्ना, बताइए क्या होगा? सर, इसमें डीएनए के होता है वो रेप्लिकेट भी होता है और क्रोमोसोम्स के होते हैं वो सेम ही रहते हैं। और एक और चीज बाकी है, बताइए रमिता क्या होगा इसके अंदर एक और चीज? इतने जल्दी आप लोग भूल गए, राजकुमारी। सेंट्रियोल डुप्लीकेशन होगी। हाँ जी, सेंट्रियोल डुप्लीकेशन याद रखिएगा, सेंट्रियोल डुप्लीकेशन भी आपका यहाँ पे ही किया जाएगा। अच्छा, बाय द वे आई वांट टू जस्ट लेट ऑल ऑफ यू नो दैट ये जो आपकी क्लासेस मॉर्निंग की, इट विल बी ओनली टिल योर लाइक सैटरडे, ठीक है? सो वंस द मैम इज बैक यू विल बी हैविंग योर क्लास इन द इवनिंग। सो आपके साथ आई थिंक एक शेड्यूल शेयर किया था कोमल मैम ने, कल के शाम को शेयर किया था। आपके स्लॉट्स आर इन द इवनिंग फॉर बायोलॉजी क्लास, बट या दैट अपेरेंटली यू हैव द क्लास बिकॉज़ या बिकॉज़ मैम इज नॉट अवेलेबल, दैट्स व्हाई। वंस मैम इज बैक देन एवरीथिंग विल शिफ्ट ऑन द इवनिंग वाला पार्ट, ठीक है? ऑलराइट, सो दैट इज गोइंग टू बी द स्पेस। देन क्वेश्चन नंबर 3, रीअपीयरेंस ऑफ माय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस अलोंग विद द थिनिंग एंड इलॉन्गेशन इन द क्रोमोसोम आर डायग्नोस्टिक कैरेक्टर्स ऑफ। ये सारे इवेंट्स, ये जो रीअपीयरेंस वाली जो चीज आपके यहां पे हो रही है, जनरली कौन से स्टेज में आपको होते हुए आपको यहां पे मिल जाती है? So, बताइए इसका आंसर, कौन बताना चाहेगा? आरुषि बताइए क्या होगा इसका आंसर? टेलोफेज।
Right, telophase is going to be the correct answer. So the reappearance of my nuclear membrane, nucleus, is all something which I'll be finding happening in my telophase. इसका आंसर भी क्या होगा, अनम्यूट करके आप वैसे ही बता सकते हो सब लोग. करेक्ट आंसर, ठीक है. अच्छा ये ध्यान से बताना, विच डज नॉट अकर इन प्रोफेज, इनमें से कौन सी चीज आपकी प्रोफेज के अंदर होते हुए आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी. सो विच ऑफ दिस थिंग इज नॉट समथिंग यू विल फाइंड हैपनिंग इन माय प्रोफेज. सो बताइए प्रीति, क्या लग रहा है आपको इसका आंसर? सर फोर्थ ऑप्शन. सो प्रीति यहाँ पे कह रही है डिसअपीयरेंस ऑफ माय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस आपका प्रोफेज में होते हुए आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा. ओके ऑलराइट, पायल दीक्षित आप बताइए. सर ऑप्शन सी, अपीयरेंस ऑफ क्रोमोसोम आपको नहीं मिलेगा आप ये कह रहे हो. रिया आप बताइए. फर्स्ट. रिया यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट कह रहे हैं. अगेन ऑल ऑफ यू आर गिविंग मी मिक्स्ड आंसर्स. नेहा कुमारी आपको क्या लग रहा है? मनीषा आपको क्या लग रहा है? मनीषा को फोर्थ लग रहा है. आवाज कट गई बेटा आपकी, सो आई टेक इट एज अ कि आप यहां पे फोर कह रहे हो. ओके आई विल जस्ट टेक वन मोर आंसर. वन मोर आंसर ओवर हियर. प्रीति आपको क्या लग रहा है? फोर्थ ही लग रहा है. ठीक है देखो एक मेरी बात सुनो, प्रोफेज में पूछा उन्होंने कि क्या नहीं होता. अब एक बात बताओ, प्रोफेज के अंदर सबसे पहली बात आपका कंडेंसेशन क्रोमेटिन का होता है. You find yes. आपका क्रोमेटिन कंडेंस होगा और आपको बना के देगा. Yes, sir. तो ये तो आपका हो ही रहा था, तो ये तो आपका हो रहा है प्रोफेज के अंदर, ठीक है. आपका क्रोमोसोम आपको दिख रहा है बन के होता हुआ, सो अपीयरेंस ऑफ क्रोमोसोम इज हैपनिंग इन द प्रोफेज. तो ये बात भी आपके यहाँ पे सही है, राइट. और क्या लिखा हुआ है? डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस, आपके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपकी गायब हो रही है, आपका न्यूक्लियोलस आपका गायब हो रहा है. ये भी तो आपका हो रहा था प्रोफेज के अंदर. यस हो रहा होता है. सो यू विल फाइंड डीकंडेंसेशन इवेंट जो आपका होता है वो आपका प्रोफेज में कभी नहीं होता. ये तो इवेंट आपका टीओफेज में किया जाता है. सो डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन या बेसिकली यहां पे क्रोमोसोम लिखना होना चाहिए इन लोगों ने यहां पे. सो दैट इज नॉट समथिंग यू विल फाइंडिंग हैपनिंग ओवर हियर. तो ये आपका कभी भी आपका प्रोफेज में आपका यहां पे नहीं होगा. सो ये बनेगा आपका यहां पे करेक्ट आंसर. तो प्लीज ध्यान से क्लियर करिए ऐसे क्वेश्चन को. सिंपल क्वेश्चन के अंदर अगर आप अपने चार मार्क खो देंगे या नहीं कर पाएंगे देन दैट्स नॉट अ गुड थिंग, ठीक है. सो प्लीज मेक श्योर टू डू दैट. ऑलराइट, और उसके अलावा एक और चीज बताना चाहूंगा कि आपका जो संडे का टेस्ट है आपका मेजर टेस्ट है, ठीक है. सो मेजर टेस्ट का मतलब यहाँ पे ये होता है सिलेबस आई थिंक आपको मिल चुका है. सिलेबस मिल चुका है आपको? यस सर. याद रखिएगा कि मेजर टेस्ट में यू विल गेट 90 क्वेश्चंस. तो प्लीज हैव अ माइंडसेट कि अपने संडे के 3 घंटे निकाल के आप पढ़ने के लिए आइएगा, ठीक है. टेस्ट देने के लिए आइएगा. ये आपका पार्ट टेस्ट नहीं है. इट विल टेक योर 3 आवर्स एंड यू विल हैव टू स्पेंड मोर अमाउंट ऑफ टाइम इन फिजिक्स. और ऐसा प्लीज मत करना कि मैं तो 2 घंटे में कर देता हूँ, कर देती हूँ तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं. ऐसा मत करो. प्लीज हैव अ हैबिट ऑफ सिटिंग फॉर दोस 3 आवर्स एंड गिविंग द टेस्ट थरली. तो करिएगा ध्यान से. सो लेट्स कल हम लोग जब वापस मिलेंगे तो इस चैप्टर में से कुछ बिट्स एंड पीसेस में कुछ चीजें हैं वो मैं आपको बता दूंगा एक बार. एक दो थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे एंड देन विल सी समथिंग एल्स. विल हैव अ लुक एट समथिंग एल्स ओवर हियर, राइट. वी वोंट बी डूइंग विद द न्यू चैप्टर और वी विल मे बी डूइंग क्वेश्चन सॉल्विंग एंड माइट डू अ टॉपिक फ्रॉम अ न्यू चैप्टर. सो विल सी क्या कर सकते हैं. अच्छा बाय द वे भी आपका एनुअल किंगडम खत्म हुआ है ना? नहीं, आपका नॉन कॉर्डेट्स खत्म हो गया ना एनुअल किंगडम में? यस सर. उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे ऐसा होगा तो. वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन फ्रॉम देयर एज वेल. सो वी कैन डू दैट थिंग एज वेल. यस सर. सो दैट इज समथिंग वी विल डू और इसके कुछ क्वेश्चंस और हम यहां पे देख लेंगे. सो ऑलराइट देन, सो दैट्स इट फ्रॉम माय एंड. सो लेट्स रैप दिस अप. अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो. अगर कोई क्वेश्चन